ये दरवाजा बंद होने के तरीका कार ये उस दौर में यूं करके बंद होते थे। ये सारे वॉलेट वोट है उसी दौर के पुराने, ये 1000 ईयर्स ओल्ड है। ये ऊपर वाले फोर्ड से इसको नीचे उतार के फिक्स किया हुआ। तो आप अभी भी ये डिसलॉक सिस्टम को अभी भी यूज करते हैं? दैट्स सो इंटरेस्टिंग। इसको अभी खोल के हम देखिए, दिस इज एन अमेजिंग लॉक सिस्टम। मेजरमेंट पॉट्स मैम, मैं आपको ये उस दौर में गंदम बकवीट वाला हमारे जो दूसरे आवाम से जो राजा साहब को गंदम के लगान जो टैक्सी जो आते थे इनमें कुलट होते थे, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी बड़े में, जिनके पास कम होते थे छोटे में। ये स्पेशल एप्रिकॉट एंड वाले अनमन आई अल के टैक्सेस में वेट्स का इसमें आते थे जी, वेट्स का इसमें। और मेरे लेफ्ट साइड पर ये जो आपको फार्मिंग टूल्स वाला उस दौर में जो है ना सारे जो एग्रीकल्चर सारे काम इससे लेते थे। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट रूम दिखा देंगे उसमें कुछ सेटअप है। थैंक यू। ये है मैम उस दौर में रानी की जो है ना ज्वेलरी बक्स, ऊपर रानी रूम से हमारा अभी रूम रेंट पे देते हैं। अच्छा। ये ज्वेलरी बक्स का ये फ्रंट ऐसा है, इसके टू एक्सटेंड हुआ था, बाकी एक्सटेंड इसका टूट गया। इसका फ्रंट कवर्ड है, इस वॉल के अंदर होल हुआ करते थे, शेल्फ इसके अंदर होते थे। अभी अच्छा, ये जो नीचे हाँ। जो तीन जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9 दरवाजे इस वॉल के ऊपर जो है ना। अच्छा, इस वॉल पे होता है, इसका फ्रंट कवर्ड है, मतलब इसकी बैक साइड पे उसके शेल्फ होते थे। ये रानी की ज्वेलरी बक्स इसी में फिक्स नहीं होते थे, अभी हमने म्यूजियम में उतार के रखा। रानी रूम में थे, ये हमने म्यूजियम में कन्वर्ट किया। और ये जो हमें ये स्ट्रक्चर ये इसके अंदर आपको जो तिब्बतन एंड बत्ती जो है मतलब उस दौर की जो लार्ज सिस्टम, ये आपको सारे जो है इसी कार्विंग के अंदर, जिस तरह ये आपको कार्विंग जो नजर आते ये सारे जो है जी 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 ये हमारे जी जी हाँ ये जी, सारे मिक्सचर ऑफ तिब्बतन कश्मीरी बल्ती सारे मिक्स। अच्छा, ओके। और आपकी लेफ्ट साइड पे ये जो बक्स, इसको जो ना वॉलनट वुड बक्स, इसके अंदर आटा स्टोर होते हैं, गंदम स्टोर होते हैं। इसकी ये खूबी कि वॉलनट लकड़ की जो ना कभी भी इसके अंदर जो ना कीड़े मकोड़े पड़ते नहीं, इस वजह से इसकी स्पेशलिटी है। मतलब कि कुछ भी आप स्टोर करो तो डिके नहीं होगा, यानी कुछ खराब नहीं होगा, कभी भी खराब नहीं होता। अभी आप मार्च में आटा डाले अक्टूबर में निकाल दें, कोई भी खराब नहीं होते। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट रूम में आपको बात करते हैं। थैंक यू। मैम ये जो 3 वुड कार्विंग्स उस दौर में, ये वॉलनट वुड से उस दौर में सुबह ब्रेकफास्ट पे जो स्पेशल गेस्ट पहुंच जाते थे उनके लिए एक प्रिंटेड कार्विंग वाले डिज़ाइन वाले वो परांठे पेश करते थे स्पेशल जी जी। ये जो इन सब का अलग अलग प्रिंटिंग, तो स्पेशल मेहमानों के लिए जो ना हमारे यहाँ पे जो ना एक एजाजी जो ना उनके जो उनकी इज्जत अफजाई भी होते थे कि उनके लिए कार्विंग का परांठा पेश कर दें जी हमारे यहाँ पे। यानी राजाओं के दौर से लेकर अब तक वही कल्चर आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने प्रिजर्व उसी को फॉलो कर रहे हैं, यही सबसे खूबसूरत बात है बल्तियों की, यू नो कि उन्होंने अभी तक किया है। एंड दिस इज जस्ट एन अमेजिंग पीस ऑफ हेरिटेज आप लोगों की, इट्स रियली अमेजिंग उसी दौर के सारे। अच्छा, अब आप मुझे कौन से कमरे में जी? इंशाल्लाह अभी हम राजा साहब को जो ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह दिखा देंगे आपको कि वो क्या पहनते थे। यस, मैं देखना चाहती हूँ, लेट्स गो। अच्छा मैम, ये जो ब्लैक ड्रेस एंड कैप्स कलर शूज़, ये सारे जो है रानी की होती है, मतलब क्वीन की होती है। अच्छा।
और वाइट डसन कैप किंग के होते हैं। ये उस दौर में उनके मुकम्मल मतलब आपको जो सेटअप जो वो किस तरह पहनते थे वो सारा कुछ आपको दिखा है। इसी सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी है कि इसे कलर के बारे में कि ब्लैक उन्होंने रखा है क्वीन के लिए और वाइट जो है उन्होंने किंग के लिए रखा है, उन्होंने उनका ही कॉन्सेप्ट था कलर्स का। जी जी कलर जो है मतलब जो उस दौर में जो है अक्सर जो है लोग जो है वाइट चीज़ें जो है मतलब इस तरह पहन नहीं सकते क्योंकि ये राजा साहब की एक निशानी हो जाती थी कि वाइट है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ये उनकी जो है उस दौर की ज्वेलरी है। अभी जो उस कैप के सेंटर में ये वाली चीज़ लगते हैं अच्छा, और ये वाली जो है गले में लगाने का और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाते थे और जी जी और ये वाले जो गले में लगाते थे वो अभी आपको ये जो पानदान जैसे नजर आता शहर में तो पानदान खेत हमारे यहाँ पे जो ना उस तरह होते थे रिकॉर्ड आयल के अंदर जो ना सत्तू डाल देते थे अच्छा। तो ये जूड़ियाँ सारे उसके अंदर जो ना डाल के रखते थे भिगो के रखे ये जो ना स्पेशल टी पॉट है अच्छा। उस दौर के राजा रानी की ये किसी गेस्ट को भी किसी आवाम को किसी को अलाउ नहीं होते थे। बकायदा इसकी जो ना डे नाइट शिफ्ट में बकायदा चाय पिलाने वाले लोग होते थे एक दूसरे के हैंड ओवर करना होता था अदरवाइज किसी और के हाथ देख के जो ना ये जो ना पॉट जो स्पेशल जी जी वो होते थे खादिम होते थे जी जी इनके अलग जो ना चाय पिलाने वाले बंदे होते थे उसकी मजलिस में। तो इसकी स्पेशलिटी ये है अगर इस चाय के अंदर कोई गलती से कोई किसी ने जहरीली चीज़ फेंक दी या कोई चीज़ मिक्स हो जाए जहरीली चीज़ तो ये ऑटोमेटिकली वो चाय की कलर ही जो ना बाहर आपको ब्लू करके नजर आ जाएगी। क्यों 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 इसके अंदर कोई स्पेशल मैकेनिज्म है इसके अंदर कोई एक तो ये कॉपर की दूसरी बात इसके अंदर कोई जहर मोरा की कुछ ऐसी वो मटेरियल्स है जिस पे जो ना आपको एकदम जो वो जहरीली चीज को पकड़ जाते हैं तो बाहर जो ना आपको स्पेशली जो ना उस चाय को ब्लू करके निकल आते हैं।